हेलो बच्चों, प्लस वन क्लास। आज एक नया टॉपिक आपके सामने। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज का हमारा टॉपिक है, वैसा ही टॉपिक है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी आपको समझ आ जाएगा। बस थोड़ी डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंज है, बाकी आप जब उसका सोल्यूशन देखेंगे आपको लगेगा कि सेम वैसा ही टॉपिक है। ठीक है, ये आपने कर लिया पीछे वाला टॉपिक जो ट्रायंगल लॉ था, आपने किया होगा। तो आज हम करते हैं, चलो शुरू करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई वेक्टर इस तरफ जा रहा है, यहां पे ओ पॉइंट है, ठीक है, और ये पी पॉइंट है, और मान लो ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ठीक है, जो वी वेक्टर है, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा पीछे कर देता हूं, यहां और मान लो ये पैरेललोग्राम आपने तैयार कर, ये बीटा एंगल मान लिया, ठीक है, ओ रख दिया इसका नाम, इसका नाम पी रख दिया, और इसका नाम ओ रख दिया, क्यू रख दिया, सॉरी, इसका नाम एस रख दिया, इस रिजल्टेंट का नाम आर रख दिया, इसका नाम ए वेक्टर रख दिया। तो आप क्या देखेंगे कि इसमें ये देखेंगे पैरेललोग्राम के डेफिनेशन में क्या है कि भी जो दो एक पॉइंट से दो वेक्टर क्या करते हैं, एक्ट होते हैं, तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनके वेक्टर्स की फॉर्म में, उनके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन की फॉर्म में शो किए जाते हैं, डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो किसके बराबर बराबर होते हैं, दो एडजसेंट साइड के बराबर होते हैं, उसके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन के बराबर होते हैं। मान लीजिए तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का नियम नहीं लग पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट इसके पास, जैसे ट्रायंगल लॉ में हमने किया था, एक ट्रायंगल जैसा बन गया था। तो इसका नाम मैंने रख दिया आर, और यहां पर मान लिया एंगल थीटा, थीटा एंगल हमने मान लिया है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट दैट इफ टू वैक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए पॉइंट, क्या कहता है, एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम वही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो क्या कहता है, दो एडजेसेंट साइड के एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं ए और बी, और ये जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलते हैं और अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ ये जाते हैं, और फिर एडजेसेंट साइड जो होती है उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है। क्या कहता है, इट स्टेट दैट इफ टू वैक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड एज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वैक्टर। पिछले टॉपिक में हमने सिर्फ क्या किया था, ट्रायंगल किया था, अब कुछ नहीं है, इसके ऊपर एक और ट्रायंगल आ गया, बस नथिंग एल्स, ठीक है, यही है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे।
देखो क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, क्या होगा बच्चों? देखो जानो पहचानो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पे ट्रायंगल ला लगा देते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लगाने के लिए आपके पास ये डायरेक्शन, ये वाला पोर्शन होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। अगर ये बी है तो इसको भी बी मानेंगे, ये ए तो इसको भी ए मानेंगे, दैट्स इट, क्लियर। तो वो ट्रायंगल देखो कौन सी है, तो इन ट्रायंगल क्यू एन पी, ट्रायंगल क्यू एन पी, आपको ट्रायंगल जरूर याद रखना है। और ट्रायंगल ना भी याद रहे, बाय चांस आप ट्रायंगल भूल जाएं कि भी कौन सी ट्रायंगल लेनी है, तो आपको ये याद रखना जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था वो साइड पता होनी चाहिए, और नीचे जो ये पोर्शन है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये ए है ये बी है ये ए है ये बी है, लेकिन ये और ये नहीं पता, ये दोनों निकालनी है कैसे भी निकले, क्लियर है? ये दोनों आपको निकालनी है। लेकिन यहां तरीका ये है, ट्रायंगल क्यू एन पी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा बड़ा करके। ये Q है और ये N है और ये P है और यहाँ पे एंगल है थीटा, क्लियर है? इसको हम R कह रहे हैं बार बार, सॉरी R नहीं है भाई, ये है आपका B, ये B है, ठीक है? ये निकालना है, ये निकालना है, बात समझ में आ गई? एक तो ये निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, ये निकालना और ये निकालना, पी एन और क्यू एन। अब बात करते हैं कोस थीटा की। जब हम कोस थीटा की बात करते हैं, कोस किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? पी एन, और हाइपोटेन्यूस कितना है? पी क्यू। तो यहाँ पी एन की वैल्यू निकाल लो, पी एन इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा। पी क्यू क्या है भाई? बी, तो यहाँ पे आ गया बी कॉस थीटा, इजी है ना? अब बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू एन, क्योंकि क्यू एन ही तो निकालना है, बाय हाइपोटेन्यूस पी क्यू। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्यू एन की वैल्यू निकालें, इक्वल टू पी क्यू साइन ऑफ थीटा। पी क्यू क्या है बच्चों? बी, बिल्कुल आसान है, ये लो आपके पास आ गई। तो दोनों की वैल्यू आ गई, क्लियर? ये दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास। ये वैल्यू क्या है? पी एन क्या है? देखो यहां पे लिखा हुआ है पी एन बी कॉस थीटा, ये क्या है? बी साइन थीटा। सारी वैल्यूज तो आ गई, यहाँ पे ट्रायंगल आप वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाई है हमने, तो आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या है? आर की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। लो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लो हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल क्या है हमारी? ओ पी ओ एन, सॉरी क्यू एन ओ, ट्रायंगल क्यू एन ओ, ट्रायंगल क्यू एन ओ, क्यू एन ओ। तो क्यू क्यू ओ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस का परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? एन क्यू, इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है? ओ एन, इसका स्क्वायर। बस इन दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? आर स्क्वायर है, ये आर है, क्यू ओ। एन क्यू क्या है बच्चों? एन क्यू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस ओ एन क्या है? ओ एन ओ पी प्लस पी एन, ये पूरा किसके बराबर है? ये प्लस ये ओ पी और पी एन, ओ पी प्लस पी एन, आपको इन दोनों की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू और रखेंगे और सॉल्व करेंगे, बस इतना सा काम है। अब कर देते हैं इसको भी सॉल्व, यहाँ कर देते हैं ऊपर, ध्यान रखना ऊपर नीचे मत लिख देना, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए लिखना पड़ रहा है। आ गया समझ में? तो देखो अब करेंगे सॉल्व इसको। आर स्क्वेयर किसके बराबर हो गया बच्चों? क्या हो गया? इसका स्क्वेयर खोल दो बस, बी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ओपी क्या है आपका? ओ पी ए ए प्लस पी एन क्या है आपका? पी एन बी कॉस थीटा, बी
कॉस थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर। अब इस पूरे का स्क्वायर खोलो, इस पूरे का स्क्वायर खोल दो, आपको पता लग जाएगा। पूरे का स्क्वायर खोलने के बाद आपको क्या मिला? आपको मिला बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ए माने, इस पूरे को बी माने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर पूरा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, पिछले लेक्चर में हमने बताया था मैथ मैथ के अंदर एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एक के बराबर होगा। तो इसमें और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन है तो बाहर लिखेंगे, अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये क्या हो गया बच्चों, वन, ये वन हो गया। यहां क्या बचा ए स्क्वायर, और यहां क्या बचा टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और इनको रीअरेंज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये फार्मूला आपने कई बार पढ़ा है, और वो आर स्क्वायर के बराबर है। टेकिंग रूट बोथ साइड, यहां पे लिख भी देंगे टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये कैंसिल आउट हो गया, वन बाई टू पावर होती तो आर की वैल्यू आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो सेम वैसा ही पोर्शन, ये हम रिजल्ट वैसा ही निकलेगा, चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाएं चाहे ट्रायंगल लॉ लगाएं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बिटवीन टू साइड्स हमेशा एक जैसा ही रिजल्ट देगा। बात आती है इसके केस की, केस वही है, वही पुराने केस उठाने हैं जो पिछले एपिसोड में उठाए थे आपने। कॉस थीटा की जगह, थीटा की जगह एक बार जीरो और एक बार 90 डिग्री पुट करना है। जीरो पुट करेंगे यहां पे, अगर कोस यहां पे थीटा की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो कोस जीरो क्या हो जाएगा, वन। तो ये क्या बच जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आ जाएगा। अगर थीटा की जगह पे आपने गलती से 90 डिग्री रख लिया तो कोस 90 कितना होता बच्चों, यहां पर लिख देता हूं कोस 90 जीरो के बराबर। कोस 90 क्या होगा, जीरो के बराबर, ये जीरो हो गया तो पूरा जीरो आ जाएगा और आपके पास बचेगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब, जब थीटा 90 डिग्री हो। क्लियर हो गया? तो ये जो है पैरेललोग्राम लॉ के अंदर आपका टॉपिक था, इसके अंदर एक टॉपिक और है, वो है डायरेक्शन ऑफ आर। ये भी पूछा है इसने, डायरेक्शन ऑफ आर टेंजेंट पर डिपेंड करता है, तो टेंजेंट की वैल्यू और आपको निकाल के दिखा देता हूं, इसी टॉपिक में इंक्लूडेड है। देखो बच्चों क्या है वो, देखो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर की अगर बात करें, आर की अगर बात करें तो टेंजेंट थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा नहीं है, क्यू एन ओ जो ट्रायंगल हमने ली थी, इन ट्रायंगल क्यू ओ सॉरी क्यू एन ओ, ठीक है क्यू एन ओ, तो आप यहां पे देखेंगे तो एंगल क्या है हमारा थीटा, थीटा की जगह पे बीटा दे रखा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू क्या है बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है बी साइन थीटा, और बेस क्या है आपका ओपी प्लस पीएन, ओपी कितना है भाई ओपी प्लस पीएन हो गया, बेस आपका ओपी प्लस पीएन, और ओपी की वैल्यू क्या है बच्चों बी साइन थीटा, ओपी की वैल्यू ए, और पीएन की वैल्यू कितनी है बच्चों बी कॉस थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट बीटा किसके बराबर आ गया बी साइन थीटा और ए प्लस में बी कॉस थीटा। यहां पे कॉस की वैल्यू आप रखेंगे कि कहां से निकालेंगे कॉस की वैल्यू, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस थीटा, ये इस तरफ आ जाएगा आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी कॉस थीटा कॉस थीटा। तो यहां से टू ए बी भी नीचे आ जाएगा, टू ए बी तो आपके पास कोस की वैल्यू आ जाएगी। तो कोस की जगह पे आप ये जब रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी सिर्फ आपके पास बचेगा टू ए। तो यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं ये वैल्यू रख के। बाकी इनकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में गिवन होगी, तो वो न्यूमेरिकल्स पार्ट जो है वो बाद में हम करने वाले हैं, तो वो आपको हम बाद में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा, टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।